नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है परामर्श। पिछले वीडियो में हमने परामर्श के अलावा हमने निर्देशन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि निर्देशन क्या है, निर्देशन के प्रकार कौन से हैं। आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको वो है काउंसलिंग परामर्श। काउंसलिंग और परामर्श निर्देशन से थोड़ा सा अलग होता है, उसको हम बाद में समझेंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि निर्देशन और परामर्श है क्या, उसके बाद हम इसके अर्थ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, परामर्श काउंसलिंग शब्द से बना है अंग्रेजी के, और ये काउंसलिंग शब्द लैटिन भाषा के काउंसलिंग शब्द से बना है, CONSILLIUM। काउंसिल शब्द जो कि लैटिन भाषा का शब्द है उससे काउंसलिंग शब्द बना है। काउंसलिंग मतलब परामर्श, परामर्श या सलाह देना ही परामर्श कहलाता है। अब कई विद्वानों ने परामर्श के बारे में अपनी डेफिनेशंस भी दी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परामर्श होता क्या है। परामर्श दो व्यक्तियों के बीच में होता है, इसमें एक उपबोध्य होता है और एक उपबोधक होता है, एक परामर्शदाता होता है और एक परामर्श लेने वाला होता है। परामर्शदाता उस कार्य में प्रवीण और निपुण व्यक्ति होता है, जबकि वह व्यक्ति जिसके सामने समस्या आती है असमंजस की स्थिति में रहता है कि मुझे किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, तो उससे पहले वो परामर्शदाता के साथ वार्तालाप करता है, तर्क वितर्क करता है ताकि वो अपनी समस्या का समाधान खोज सके। तो परामर्श का मतलब है सलाह देना, किसी को सुझाव देना जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में सुझाव होता है। परामर्श निर्देशन की एक विधि मानी जाती है। निर्देशन व्यापक है जबकि परामर्श एक संकीर्ण विचारधारा है जो कि दो व्यक्तियों के बीच में होती है। परामर्श में दो व्यक्तियों के बीच के जो संबंध होते हैं वो सौहार्दपूर्ण होते हैं, वातावरण बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रखा जाता है ताकि जो भी परामर्श देने वाला है उससे परामर्शकर्ता जो परामर्श प्राप्त कर रहा है वो अच्छे से अपनी समस्या का समाधान खोज सके। तो परामर्श की कई विद्वानों ने डेफिनेशन भी दी है, वो देखिए विद्यार्थियों। पहली डेफिनेशन है वेबस्टर की। किसकी है? वेबस्टर ने कहा है पूछताछ करना, किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर पूछताछ करना, उसके बारे में तर्क वितर्क करना और अपने विचारों का आदान प्रदान करना परामर्श के अंतर्गत आता है। परामर्श दो व्यक्तियों के बीच में होता है। अगर दो व्यक्तियों से अधिक परामर्श विचारों का आदान प्रदान होता है विद्यार्थियों, तो वो परामर्श की श्रेणी में नहीं आता है। तो परामर्श का अर्थ होता है पूछताछ करना। क्या होता है? पूछताछ करना, तर्क वितर्क करना और विचारों का आदान प्रदान करना, ये परिभाषा दी है वेबस्टर महोदय ने। नेक्स्ट आती है रॉबिन्सन। रॉबिन्सन कहते हैं कि दो व्यक्तियों का ऐसा संपर्क जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में और पर्यावरण के बारे में क्या कर पाता है, प्रभावी समायोजन कर पाता है। ऐसी संपर्क स्थिति जिसके बाद व्यक्ति स्वयं के बारे में पर्यावरण के साथ अपना प्रभावी समायोजन स्थापित। देखो, निर्देशन से भी प्रभावी समायोजन होता है और परामर्श से भी प्रभावी समायोजन होता है। तो अगर व्यक्ति को अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करना है तो किसी व्यक्ति से जो परामर्श की स्थिति है, जो संपर्क की स्थिति है, उसे ही हम परामर्श कहते हैं। ये परिभाषा दी है रॉबिन्सन महोदय ने। नेक्स्ट परिभाषा आती है मायर्स की। मायर्स कहते हैं कि दो व्यक्तियों का ऐसा संपर्क जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या करता है,
सहायता करता है उसे ही हम परामर्श कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है कॉल रॉजर्स की, और कॉल रॉजर्स साहब कहते हैं कि ऐसे स्वीकृत संबंध जो उपभोक्ते को उस सीमा तक समझने का प्रयास करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश के कार्य में अग्रसर हो सके। उपबोध्य होता है जो परामर्श को ग्रहण करता है, उपबोधक होता है जो परामर्श देता है। तो उपबोध्य को उस सीमा तक समझने का प्रयास है जिस सीमा तक वो कार्य में अग्रसर होना चाहता है, उसी स्वीकृत संबंध को परामर्श कहा जाता है। ये परिभाषा दी कॉल रॉजर्स साहब ने। उसके बाद आती है बर्नार्ड और फूलर साहब ने। बर्नार्ड और फूलर साहब ने भी परिभाषा दी है कि ऐसे अंतरव्यक्तिक संबंध जिसमें व्यक्तिक व सामूहिक परामर्श के साथ साथ व्यक्ति के भावात्मक पक्ष को भी स्पष्ट किया जाता है, जिसमें परामर्शदाता पहले उपबोध्य की स्थिति को समझता है, उसकी बातों को सुनता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी स्थिति को समझता है, उसके बाद अपना परामर्श देता है। तो यहाँ पर बर्नार्ड फूलर कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच ऐसा अंतरव्यक्तिक संबंध जिसमें व्यक्ति व सामूहिक परामर्श के साथ साथ व्यक्ति के भावात्मक पक्षों को भी स्पष्ट किया जाता है। तो ये है, आपको मैंने 5 परिभाषाएं बताई है परामर्श की, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं पूछताछ करना, विचारों का आदान प्रदान करना ही समायोजन है। अंतरव्यक्तिक संबंध है जिसमें उपबोध्य अपनी कार्य सीमा को अपने कार्य की ओर अग्रसर होता है। परामर्श क्या है? परामर्श एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ क्या कर पाता है, समायोजन कर पाता है। तो आपने देखी, इसके अलावा ऐसी स्थिति है परामर्श जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, ऐसा होता है परामर्श। अब बात आती है अच्छा परामर्श कैसे होगा। विद्यार्थियों, परामर्श तभी अच्छा हो सकता है जब वो क्या हो, दो व्यक्तियों के मध्य हो, क्योंकि परामर्श उचित और अच्छा तभी हो सकता है जब वो दो व्यक्तियों के बीच में हो। इसके अलावा परामर्श में उपबोध्य के ऊपर निर्णय थोपे नहीं जाते हैं। उपबोध्य परामर्शदाता के निर्णय को माने या ना माने, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो परामर्श में निर्णय थोपे नहीं जाते। अच्छा परामर्श वही होता है जब जो भी परामर्शदाता ने परामर्श दिया है उसको अपना कर परामर्शकर्ता अपना निर्णय स्वयं लेता है, इसमें निर्णय थोपा नहीं जाता है। उपबोध्य मत परामर्शदाता उपबोध्य में ऐसा वातावरण पैदा कर देता है कि उपबोध्य के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। तो आत्मविश्वास पैदा करना ही अच्छे परामर्श की विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा परामर्श किसके ऊपर केंद्रित होता है, उपबोध्य जो परामर्श प्राप्त करना चाहता है उसकी स्थिति को समझना, उसकी स्थिति को समझकर उसको सलाह देना ही परामर्श कहलाता है। इसमें परामर्श एक ऐसी स्थिति को दर्शित करता है जिसमें सारा का सारा ध्यान जो परामर्श प्राप्त करता है उसके ऊपर केंद्रित होता है। विद्यार्थी उपबोधक पर हावी नहीं होता है। अच्छा परामर्श वही होता है जिसमें उपबोधक आसानी से अच्छे से उपबोधक को समझा सके, उपबोध्य पर हावी ना हो, ऐसा ही होता है अच्छा परामर्श। इसके अलावा सहायता इस रूप में दी जाती है कि जो परामर्श प्राप्त कर रहा है वो स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसा होता है परामर्श, अच्छा परामर्श। और अच्छे परामर्श में लचीलापन होता है,
मान लो परामर्शदाता ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं या कुछ ऐसी सलाह दी है जो मानने लायक नहीं है, तो उसको हटा करके जो मानने लायक है उसको भी अपनाया जा सकता है। तो परामर्श में लचीलापन होता है, जबकि निर्देशन इतना लचीला नहीं होता है। इसके अलावा उपबोध्य के बारे में पहले तथ्य एकत्रित करता है उपबोधक। जो भी परामर्श दे रहा है पहले देखता है उपबोध्य की स्थिति क्या है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, उपबोधक और उपबोध्य, उपबोधक वो होता है जो परामर्शदाता होता है, जो परामर्श देता है, जबकि उपबोध्य वो होता है जो परामर्श को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो जो रिसीवर होता है वो उपबोध्य होता है और जो परामर्श देने वाला होता है उसे उपबोधक कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अच्छा परामर्श वही होगा जो दो व्यक्तियों के मध्य होगा, जिसमें निर्णय हावी नहीं होंगे, जिसमें उपबोध्य में आत्मविश्वास को पैदा करे, उपबोध्य केंद्रित होना चाहिए, उपबोधक पर हावी नहीं होना चाहिए। सहायता या सलाह इस प्रकार की होनी चाहिए कि उपबोध्य अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके, उसमें लचीलापन होना चाहिए। इसके अलावा उपबोध्य के बारे में तथ्य एकत्र किए जाने चाहिए सलाह देने से पहले। इसके अलावा अच्छे परामर्श में उपबोध्य की जो सूचनाएं हैं उनको गुप्त रखा जाना भी आवश्यक है। परामर्श अच्छा तब भी हो सकता है। तो आज आपने परामर्श का अर्थ, परिभाषा और अच्छे परामर्श की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। आगे भी हम परामर्श के जो टॉपिक्स है, इसका छूटा हुआ अंग है, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको परामर्श का अर्थ, परिभाषा और अच्छे परामर्श की विशेषताओं के बारे में बताया है। बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो बीएड सेकेंड ईयर के छात्र, समावेशी विद्यालय का सृजन वाली जो आपकी बुक है उसके लिए बड़ा ही लाभदायक वीडियो है। तो इसके लिए कि आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाए, तो नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।